प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस जीवित और महान परमेश्वर के साथ आज की शाम में संगति करने को तैयार हैं। आज की शाम में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें कई सालों से खुजली की प्रॉब्लम थी, वो जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने दवाइयां भी ली परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि उसकी खुजली की बीमारी पूर्ण रूप से सही हो गई। अब वो बहन बिल्कुल भली चंगी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसके पांचवें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि शास्त्री और फरीसियों ने यीशु मसीह के चेलों से कहा और यीशु मसीह से कहा कि तुम उपवास क्यों नहीं करते हो। यूहन्ना के चेले तो उपवास किया करते थे परंतु तुम उपवास नहीं करते हो, तुम तो खाते पीते हो। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि वो समय आएगा जब मेरे चेले भी उपवास करेंगे, परंतु अभी तो मैं उनके साथ में हूँ तो उन्हें उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर हम उपवास क्यों करते हैं, आखिर हमें उपवास क्यों करना चाहिए। हम में से बहुत सारे भाई बहनों का अलग अलग सोचना है कि हम उपवास इसलिए करते हैं, परंतु आज मैं आपको बाइबल से बताना चाहूँगा कि हमें उपवास क्यों करना है। पहली जो बात है कि हमें उपवास परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए करना है कि परमेश्वर तू हमें मार्गदर्शन कर, हमें सही रास्ता दिखा। एज्रा की किताब 8 अध्याय 21 से 23 पद में हम लोग देखते हैं एज्रा ने उपवास किया कि परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाए। तो मेरे प्रियो, हमें उपवास इसलिए करना चाहिए सही मार्गदर्शन के लिए या फिर सही रास्ते के लिए। दूसरी जो बात है, हम उस समय उपवास कर सकते हैं जब हमें कुछ भी समझ ना आए कि अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर अपनी सहायता के लिए हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उपवास के साथ में। न्याय की किताब 20 अध्याय 23 से 28 पद में हम लोग देखते हैं इसराइलियों ने उपवास किया और परमेश्वर से उन्होंने अपनी सहायता को मांगा क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर से सही रास्ता मांगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और परमेश्वर से सहायता को मांगा। तो मेरे प्रियो, आप भी उपवास करके परमेश्वर से सहायता को मांग सकते हैं या फिर आप जब कुछ भी आपके समझ ना आ रहा हो तब आप परमेश्वर से उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको सही दिशा निर्देशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम उपवास अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने छुटकारे के लिए उपवास कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब भी आपको छुटकारे की जरूरत हो, आपको सहायता की जरूरत हो, आपको सुरक्षा की जरूरत हो तो आप उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 3 और 4 पद में हम लोग देखते हैं जब यहोशापात पर संकट आया तो यहोशापात ने परमेश्वर से उपवास करके प्रार्थना की कि प्रभु तू ही हमारी सहायता कर, तू ही हमें सुरक्षा दे और तू ही हमें इस सब से, इस संकट से छुटकारा दे। तो जब भी आप इस प्रकार की परिस्थितियों में हो तो आप उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उपवास हम पश्चाताप करने के लिए भी कर सकते हैं। जब हम अपने गलत कामों से फिरते हैं और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं तो उस समय भी हम उपवास करके पश्चाताप कर सकते हैं। हम योना की किताब 3 अध्याय 10 पद में देखते हैं कि निनवे के लोगों ने उपवास किया और उपवास करके उन्होंने पश्चाताप किया। तो मेरे प्रियो, जब भी आप पश्चाताप करना चाहें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें तो आप उपवास करके पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होने के लिए भी हम उपवास कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करने के लिए। हम पहला राजा उसका 21 अध्याय 27 से 29 पद में देखते हैं कि
राजा आहाब परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हुआ, उसने उपवास किया और परमेश्वर के सामने नम्र हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत सारे गलत काम किए थे। परंतु जब भविष्यवक्ता ने उसे समझाया तो उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर दिया, झुका दिया, दीन बन गया और उपवास किया। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए भी हम उपवास को कर सकते हैं। हम नहमिया की किताब उसका पहला अध्याय 3-4 पद में देखते हैं, जब नहमिया ने इस बात को सुना कि परमेश्वर का मंदिर खंडहर पड़ा हुआ है और दीवारें टूटी हुई हैं, नहमिया ने उपवास किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया ताकि वो उस कार्य को पूरा कर सके। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए भी उपवास कर सकते हैं और परमेश्वर से सामर्थ्य और दिशा निर्देशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, परमेश्वर से अपने संबंध को और मजबूत करने के लिए या फिर परमेश्वर की आराधना को करने के लिए, परमेश्वर की उपासना को करने के लिए भी हम उपवास कर सकते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2:37 पद में पढ़ते हैं, हन्ना नामक एक विधवा है जो 84 वर्ष की है और वो रात दिन परमेश्वर के भवन में रहती है और वहां उपवास और प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करती है। यानी कि हम परमेश्वर से अपने संबंध को मजबूत करने के लिए परमेश्वर से उपवास करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ताकि हम परीक्षा में न पड़े, इसलिए हम उपवास को कर सकते हैं और अपना जीवन हम परमेश्वर को समर्पित करने के लिए उपवास कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4:11 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया ताकि यीशु मसीह को वो सामर्थ्य मिल सके कि जिस सामर्थ्य से वो दुष्ट को हरा सके और परीक्षा में न पड़े, और अपने आप को यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया वहां पर। तो मेरे प्रियो, जब भी आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करें तो आप उपवास कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी भी परीक्षा में न पड़े या फिर दुष्ट का सामना कर सकें, तो इसलिए भी आप उपवास को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी काम को करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए या फिर किसी निर्णय को लेने के लिए हम उपवास कर सकते हैं। प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम 14:23 पद में हम लोग देखते हैं, पौलुस ने उपवास किया ताकि वो सही निर्णय ले सके। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से बाइबल हमें बहुत से कारण बताती है जिसके लिए हम उपवास कर सकते हैं। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि उपवास करके हम परमेश्वर से अपनी इच्छा की कोई भी चीज को हम हासिल कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें कहीं भी ऐसे उपवास के बारे में नहीं बताती है जिसके जरिए हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर लें, अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर लें। नहीं, उसके लिए केवल हमें प्रार्थना करना है। परंतु उपवास हमें इन सब बातों के लिए लेना है जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। परमेश्वर से अपने दिशा निर्देशन के लिए आप उपवास ले सकते हैं, परमेश्वर से सहायता के लिए आप उपवास ले सकते हैं, परमेश्वर के गाइडेंस के लिए आप उपवास ले सकते हैं, पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, और अपने दुख को प्रकट करने के लिए आप उपवास ले सकते हैं, अपने आप को दीन और नम्र बनाने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, सही निर्णय लेने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, और परमेश्वर से अपने संबंध को और मजबूत करने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने छुटकारे के लिए आप उपवास रख सकते हैं, या फिर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए आप उपवास रख सकते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, आप परीक्षा में न पड़े इसके लिए भी आप उपवास कर सकते हैं, परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान बुद्धि और समझ मांगने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। परंतु यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आप अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने के लिए उपवास करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बहुत से भाई बहनों का कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर को, जिसे वो प्यार करते थे, उसे पाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की और उपवास किया, परंतु वो उन्हें नहीं मिला। मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप मांग रहे हैं, जिस चीज के लिए आप उपवास कर रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट हो और वही परमेश्वर आपको दे। नहीं, उपवास एक ऐसी कुंजी नहीं है
है जिसको लगा के हम परमेश्वर से अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर लें, बल्कि उपवास इन सब बातों के लिए लिया जाता है जो आज मैंने आपको समझाई हैं। इसलिए आप भी इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं उपवास करूंगा, 40 दिन का उपवास करूंगा, 21 दिन का उपवास करूंगा, 3 दिन का उपवास करूंगा और परमेश्वर से वो प्राप्त कर लूंगा जो मुझे चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर की इच्छा को जाने, उपवास करके परमेश्वर की इच्छा को जाने कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, उपवास करके परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, और जब आप उसकी नजदीकी में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन को आशीषित कर देंगे। जो कुछ आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। मेरे खुदावन, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे अब्बा। सच में मेरे खुदावन, सच में तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा राफा है प्रभु जी, तू यहोवा शम्मा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सच में मेरे पिता, तेरा नाम सब नामों में ऊँचा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि दिन भर में संभाल कर मेरे खुदावन यीशु मसीह ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, आपसे प्रार्थना करें मेरे प्रभु। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। जब ये भाई, ये बहन, मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ मिलकर प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, दिन भर की तमाम बातों के लिए तेरा धन्यवाद कर रहे प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित करते लॉर्ड फादर। सच में मेरे प्रभु, हम घटे और आप हम में बढ़ते चले जाएं, हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आज की शाम में हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी पाक रूह से भर दीजिए मेरे प्रभु, अपने पाक रूह का मसा हमें दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप प्रार्थना करने का हियाव दें, अपनी शक्ति और सामर्थ्य दें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें भरे परमेश्वर पिता। जबकि आज की शाम में प्रभु अपने निवेदन को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तो आप इनकी सुधि लें प्रभु, आप इनकी प्रार्थना के ओर अपने कानों को लगाएं परमेश्वर। मेरे खुदावन, ये भाई ये बहन को प्रभु आपने अपनी संतान बनाया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है, आपने इनकी सृष्टि की है मेरे यीशु मसीह। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी कि प्रभु, जब विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा जो भी हमने आज सीखा परमेश्वर, ये भाई ये बहनों के जीवन में ये प्रभु प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु, तेरे वचन से जो कुछ भी इन्होंने सीखा है वह अपने जीवन में उसे पूरा कर सके मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज की शाम में इनके परिवारों में तेरी सुख शांति आए प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश इनके जीवनों से दूर होने पाए प्रभु जी। आप हमारे जीवनों को सवारने वाले, आप प्रभु सब कुछ के बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें सही मार्गदर्शन देने वाले, हमारे जीवन को सफल करने वाले, हमें परीक्षाओं से बचाने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार हमने आज उपवास के बारे में सीखा परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हमने सीखा उसी वचन के अनुसार प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु उपवास करने वाले हो सके मेरे प्रभु। यदि अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर उपवास करते हैं प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, जिस प्रकार सीखा प्रभु तेरे वचन में हमने सीखा, मार्गदर्शन के लिए, छुटकारे के लिए, सुरक्षा के लिए, इन बातों के लिए मेरे प्रभु ये तुझसे उपवास करें प्रभु, अपनी संगति को, अपने रिश्ते को तेरे साथ और मजबूत करने के लिए ते उपवास करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन में कन्फ्यूज हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके लाइफ में है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर प्रकार का कन्फ्यूजन इनके जीवन से चला जाए मेरे प्रभु। यदि उपवास करते हैं मार्गदर्शन के लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, यदि आप में बढ़ना चाहते हैं, आपके काम को करना चाहते हैं परंतु कंफ्यूज है मेरे प्रभु, होने दे प्रभु ये उपवास करके उस कंफ्यूजन का उत्तर पा सके मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु अपने जीवन में ये दीन और नम्र होने के लिए तुझसे उपवास करने वाले हो सके मेरे प्रभु, कि अपने जीवन में मेरे प्रभु ये दीन और नम्र हो पिता, और अब
जब तुझसे उपवास प्रार्थना करें तो वो दीनता और वो नम्रता प्रभु इनके जीवन में आने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु अपने छुटकारे के लिए प्रभु अपने गलत बातों से छुटकारे के लिए अपने पुराने मनुष्यत्व से छुटकारे के लिए एडिक्शन से दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए यदि तुझसे उपवास करते हैं तो पिता परमेश्वर उनके जीवनों में प्रभु उनकी उपवास प्रार्थना का उत्तर दे, उन्हें आप छुटकारा दे, हर एक दुष्ट से, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव विचारों से, हर एक अभिलाषाओं से आप उन्हें छुटकारा दे। मेरे प्रभु अपने प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आपने उपवास किया ताकि आप परीक्षा में ना पड़े, उसी प्रकार ये भाई ये बहन प्रभु जी किसी भी गलत बात को अपने जीवन में ना मांगे मेरे प्रभु, और पिता जो इनके लिए सही नहीं है प्रभु वो बातें इनके जीवनों में ना होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु आप प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में कभी भी पूरा नहीं करते जो हमारे जीवनों में गड़बड़ियों को, गलत फहमियों को और हमें परीक्षाओं में डालती है पिता। होने दे पिता ये ऐसा उपवास करे प्रभु कि ये परीक्षाओं में ना पड़े मेरे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये अपने पापों से पश्चाताप के लिए तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, तुझसे उपवास करे ताकि ये अपने गुनाहों की क्षमा और प्रभु जो पश्चाताप कर रहे प्रभु जिस प्रकार निर्मे के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया और तूने उनके अपराधों को क्षमा किया प्रभु, उसी प्रकार जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने गुनाहों के पश्चाताप के लिए उपवास करते हैं पिता तो होने दे पिता परमेश्वर प्रभु ये अपने गुनाहों की क्षमा पाने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि ये दुख के समय है मेरे प्रभु, बहुत ज्यादा दुखी है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर आप इनके दुख के समय जब ये उपवास करते तो प्रभु आपकी संगति में और मजबूत बने ताकि प्रभु वो दुख इनके जीवन से दूर होने पाए और ये आपके आनंद में बढ़ने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि अपनी पिता कोई भी ऐसी बात है प्रभु जिस किसी जो प्रभु इनके जीवन के लिए सही नहीं परंतु प्रभु ये उपवास के द्वारा उसे मांग रहे हैं मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता होने दे इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु कि वो उन सही बातों के लिए उपवास करें जो इनको शोभा देता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर आज की शाम में प्रभु आप इन भाई बहनों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें मेरे प्रभु, आप इनकी सुरक्षा करें, आप इन्हें हर एक गलत बातों से बचाएं मेरे प्रभु, यदि किसी भी वस्तु की इन्हें जरूरत है तो आप उनको उनके जीवन में पूरा करें, यदि इनके घर परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है यीशु मसीह उन बातों को आप दूर करें, यदि इनके बहुत सारे काम रुके हुए हैं उन कामों को आप बनाइए पिता। होने दे पिता परमेश्वर ये अपने संबंध को प्रभु तेरे साथ मजबूत करने के लिए उपवास करने पाए प्रभु, जो कुछ भी पिता परमेश्वर आज हमने प्रार्थना में मांगा है प्रभु कि प्रभु उपवास किन किन विषयों के लिए करते हैं, हाँ मेरे प्रभु उस प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन इन बातों को सीख कर प्रभु इस बात के लिए उपवास करे प्रभु, अपनी दीनता और नम्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पश्चाताप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अपने आप को परीक्षाओं से बचाने के लिए प्रभु ये तुझसे उपवास करे प्रभु। आज की शाम में जब ये भाई बहन अपने किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जो कुछ भी इनकी जरूरत है, जो कुछ भी इनके निवेदन है आपने सुन लिया है प्रभु आप इनके उत्तर दीजिए। जो भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं प्रभु, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं प्रभु, उन सब के निवेदनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें मेरे प्रभु। आज की रात में प्रभु जी आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दें मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये प्रभु प्रभु अच्छी और मीठी नींद लेकर प्रभु जब तेरे साथ सुबह का प्रकाश देखे तो तेरे नाम की महिमा करें मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज की शाम में ये बीमारियों में है, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से चला जाए मेरे प्रभु, अपने छिदे हाथ को इनके ऊपर बढ़ा प्रभु और तेरे चंगाई का सामर्थ्य सर से लेकर पैरों तक इनके शरीर में बहने लगे, हर एक वो अंग जो बीमार है चंगा हो जाए, हर एक शरीर का वो हिस्सा में प्रभु दर्द है यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से प्रभु, आप इन्हें दर्द से छुटकारा दे, आप इन्हें बीमारियों से छुटकारा दे, आप इन्हें पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से छुटकारा दे मेरे प्रभु। हर एक प्रभु हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आप इन्हें छुटकारा दे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु, हर प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दे, शुगर बीपी थायराइड प्रभु जॉन्डिस और प्रभु
टाइफाइड की बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते विशेषकर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक को प्रभु, इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर, हर एक प्राकृतिक आपदा से आप बचाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ महामारी से भी प्रभु आप इन्हें और इनके परिवारों को बचाएं। धन्यवाद, हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक दुष्ट के काम इनके जीवनों से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड आप इन्हें फ्री करें, आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपका आत्मा इनकी सुरक्षा करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।